हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं स्टेनबर्ग UR24C साउंड कार्ड। जैसे कि यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने एक साउंड कार्ड बाय किया हूँ ऑडियो सॉन्ग रिकॉर्डिंग करने के लिए। और दोस्तों, इसके फीचर्स के बारे में बताऊँगा, इसको कैसे हम यूज करते हैं उसके बारे में भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, काफ़ी अच्छा है, ऑडियो इंटरफेस है, इससे अच्छी क्वालिटी में आपका ऑडियो रिकॉर्ड होता है। बाकी बहुत सारे ऐसे मार्केट में आपको साउंड कार्ड मिल जाएंगे, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वालिटी के हैं, लेकिन ये भी दोस्तों ज़बरदस्त क्वालिटी का है, हर स्टूडियो वाले इसको यूज जरूर करते हैं। तो चलो दोस्तों, अनबॉक्स करते हैं इस आइडियो इंटरफेस को UR24C। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैं यहाँ पे अनबॉक्स करने जा रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा दोस्तों एक मैनुअल कार्ड मिलता है। इसके अंदर दोस्तों आप QSLE और मतलब डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, डाउनलोड करने के सारा की सब दिया रहता है, कोड यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको मैं एक साइड में रख रहा हूँ। और उसके बाद में दोस्तों एक USB केबल लगती है, यहाँ पे देख सकते हैं मिलती है, जो आपके कंप्यूटर और आपके इस साउंड कार्ड में दोस्तों ऐड हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और उसके बाद में इसको मैं यहाँ से ओपन कर रहा हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा साउंड कार्ड है, ये देखिए। ये हमारा साउंड कार्ड दोस्तों, इससे हम अपना ऑडियो सॉन्ग दोस्तों रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, इसके फीचर्स के बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, ये दो चैनल वाला साउंड कार्ड है। दोस्तों, जो ये फर्स्ट वाला देख सकते हैं, इसमें दोस्तों आपका माइक लगता है, दो माइक लगते हैं। चाहो तो आप दोनों कंडेंसर माइक्रोफोन यूज कर सकते हो, चाहो तो आप दोनों में आप डायनामाइक भी यूज कर सकते हो। दोस्तों, ये जो पहला वाला होता है आपका सिंगर के लिए होता है, यानी कि जो वोकल रूम होता है उसमें यूज किया जाता है। उसके बाद में दोस्तों आपका जो ये वाला दूसरा वाला माइक होता है, इसको आप डायनामाइक यूज कर सकते हैं बाहर कंट्रोल करने के लिए। दोस्तों, ये इसके दोनों गेन लेवल होते हैं, बढ़ाने के लिए घटाने के लिए, फर्स्ट और सेकंड। और उसके बाद में दोस्तों आपका जो ये वाला होता है, ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। ये जो यहाँ पे देख सकते हैं लाइन आउटपुट, इसमें आप छोटे छोटे स्पीकर लगा सकते हैं। ये दोस्तों आप बड़े वाला TRS केबल इसमें यूज कर सकते हैं, यानी कि जैसे कि MIDO को होंगे या फिर रॉकेट कंपनी के होंगे, KRK कंपनी के, और MHA HS5 या MHA HS8 कंपनी के जो स्पीकर होते हैं, आप इन दोनों में लगा सकते हैं लेफ्ट राइट, और इनमें छोटे छोटे स्पीकर आपके लग जाएंगे। ये जो डाटा केबल है यहाँ पे जो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे लगता है 3.0 USB है, यानी कि थर्ड जनरेशन का है। और उसके बाद में दोस्तों जो ये वाला होता है देख सकते हैं, मिक्स फोन के लिए होता है ये वाला फोन, ये आपका फ़ोन का वर्क करता है, यानी कि जो आपका हेडफोन होता है उससे आप इसके गेन लेवल को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये आपका मॉनिटर के लिए होता है, ठीक है, ये आपका जो होता है मॉनिटर के लिए होता है। तो काफ़ी अच्छा साउंड कार्ड है। तो चलिए इसको हम कनेक्ट करके भी आपको दिखा देते हैं कि कैसे कनेक्ट करते हैं इसको। दोस्तों, कनेक्ट करने के लिए आपके पास आए जो USB जो आता है ड्राइवर, वो होना जरूरी है। तो मैंने पहले ही इंस्टॉल करके रखा हूँ, इसमें इसको सबसे ऊपर लगाएंगे हम। दोस्तों, जब तक आप अपने इस कंप्यूटर में जब तक ऑडियो ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करेंगे, तब तक आपका ये लाइट है ब्लिंकिंग करता रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं ब्लिंकिंग आपका लाइट करता रहेगा। लेकिन दोस्तों, मैंने ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल करके रखा हूँ, ये अभी कनेक्ट हो चुका है। देख लेते हैं यहाँ से दोस्तों, ऑटोमेटिक यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। और ये देख सकते हैं, ये MHA स्टेनबर्ग USB ISO ड्राइवर यहाँ पे सिलेक्ट है, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा। यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपको रिकॉर्डिंग करनी है तो यहाँ से देख सकते हैं इसको दोस्तों, यहाँ पे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी दोस्तों ये रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसमें कोई भी माइक नहीं ऐड करके रखा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, कोई भी माइक यहाँ पे नहीं है। तो चले हम यहाँ पे माइक को ऐड कर लेते हैं।
फिलहाल दोस्तों मेरे पास डैम ये देख सकते हैं, सैमसंग कंपनी का है डायनामाइक माइक्रोफोन, इसी को हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। और ये देख सकते हैं जैक, ये इसमें लगता है, इसमें हम कनेक्ट कर देंगे और फिर इस फर्स्ट वाले माइक में हम इनपुट कर देंगे। हेलो हेलो हेलो, ये देख सकते हैं दोस्तों जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे दोस्तों रिकॉर्ड हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं ये आपको प्रॉपरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी कि जो मैं रिकॉर्ड करूँगा इस डायनामाइक से वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा डायनामाइक है और फर्स्ट वाले में माइक मैंने यहाँ पे ऐड करके रखा हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे गेन लेवल कम करूँगा तो कम आवाज़ यहाँ पे रिकॉर्ड होगा, अगर गेन लेवल को बढ़ा देंगे तो गेन लेवल यहाँ पे बढ़ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हालो हालो हालो, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जैसे ही गेन लेवल इसका बढ़ाया तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये बढ़ गया इसका ग्राफ। और अब मैं यहाँ पे कम कर रहा हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कम हो गया है। तो दोस्तों ये था आइडियो इंटरफेस UR24C का अनबॉक्सिंग। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।